अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खलील रहमान। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने अपने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में इस यादगार की सैर की थी, तो आज हम आपको सैर करवाएंगे यादगार म्यूज़ियम की, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे वाक़ है। ये म्यूज़ियम उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए बनाया है जिन्होंने इस मुल्क के खातिर जान और माल की कुर्बानियाँ दी। आइए चलते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। इस्लामाबाद में मौजूद इस म्यूजियम में आपको बहुत सारे वैक्स के मुजस्मे नजर आएंगे, जो कि कदीम तहजीब और पाकिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और पाकिस्तान की अहम तारीखी कामयाबियां पेश करता है। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरें, आपको गंदहारा तहजीब के कुछ मुजस्मे देखने को मिलेंगे। गंदहारा इल्म फन और फन तामीर के हवाले से अहम मरकज समझा जाता था। साथ ही थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको कुछ मजीद मुजस्मे नजर आएंगे। ये उस दौर की याद ताज़ा करता है जब मोहम्मद बिन कासिम इस खत्ते में दाखिल हुए और बर्रे सगीर पाको हिंद के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुगलिया दौर के कुछ तहजीब के रंग देखने को मिलेंगे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। इस गैलरी में अल्लामा इकबाल की जद्दोजहद आज़ादी में अपनी कोशिशों के हवाले से लम्हात की मंजर कशी की गई है, जिन्होंने अपने कलाम और शायरी से बर्रे सगीर के मुसलमानों में जद्दोजहद आज़ादी के लिए जोश और वलवला पैदा किया। इस गैलरी में अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल कुछ अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। इस गैलरी में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल कुछ अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से कायद आज़म की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। ये मंजर कायद आज़म और गांधी जी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की है। अगर आप ऊपर की मंजिल की जानिब बढ़ें तो आपको यहाँ पर कुछ कदीम कैलीग्राफी के नमूने देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दो चमचमाती गाड़ियाँ भी यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं।
इस गैलरी में आपको कदीम पाकिस्तानी मुजस्मा साज और मुसव्विर आज़र ज़ूबी के फन पारे देखने को मिलेंगे। इस गैलरी में उन लोगों के मुजस्मे रखे गए हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को यादगार की सैर करके मज़ा आया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी नई जगह की सैर करवाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान खलीलुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।